नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रो इनवाइट पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, जीवन में उत्तम सुखों को प्राप्त कर रहे होंगे। तो चलिए शुभारंभ करते हैं आज के विषय का। आज का विषय है कन्या राशि। 8 से 14 दिसंबर यानी द्वितीय सप्ताह कैसा रहेगा इस महीने का, आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है, क्या क्या शुभ संदेश आपको मिल सकते हैं, क्या कुछ अच्छा है, क्या कुछ बुरा है, कहाँ कहाँ पे आपको उपाय करके लाभ मिल सकता है, इन सभी बातों की जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो आप सभी लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, घंटी वाले निशान को दबाएं, बेल आइकन को दबाएं ताकि जुड़ जाए चैनल के साथ सभी जानकारियों को समय पर पाने के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 11 से लेकर 11:30 बजे के बीच में प्रतिदिन सोमवार से शुक्रवार दिए गए नंबरों पर आप फोन करके मुझसे जान सकते हैं अपने जीवन में आ रही सभी परेशानियों का हल फोन के द्वारा बिल्कुल मुफ्त। और इन सभी सुविधाओं को पाने का एकमात्र तरीका है चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी वाले निशान को दबाना, और 5 लकी सब्सक्राइबर हर महीने जीत पाएंगे अपनी राशि का भाग्यवर्धक लॉकेट। इस लॉकेट को जीतने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखना है और फोन नंबर लिख के हमें भेजना है। तो महीने के अंत में हम निकालेंगे 5 लकी विजेता और वह जीतेंगे अपनी राशि का लॉकेट। और इसके लिए भी आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, घंटी वाले निशान को दबाना होगा। तो चलिए अब शुभारंभ करते हैं कन्या राशि 8 से 14 दिसंबर के बीच में कैसा रहने वाला है आपका समय। और वीडियो के बीच बीच में मैं आपको उपाय भी बताता रहूंगा ताकि आपको कोई कष्ट ना हो सके इस पीरियड में। शुरुआत करते हैं 8 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख से। यह समय शुभ परिणाम लेकर नहीं आ रहा है आपके लिए। आपके जीवन में सुखों का अभाव होगा, आप परेशान होंगे, मानसिक पीड़ा के शिकार होंगे, आपकी माताजी की तबीयत खराब हो सकती है, माताजी की तरफ से कोई दुखद समाचार आपको मिल सकता है, आप आलसी होंगे, आपके चेहरे की खुशी गायब हो सकती है और आपका मन डरा डरा सा रह सकता है, आप नकारात्मक सोच विचारों में फंसे रह सकते हैं, आप गहरी निराशा में भी डूब सकते हैं। कुल मिलाकर यह समय आपके लिए अभी तक तो ठीक नहीं है। आपको दुखी जीवन जीना पड़ सकता है, आपको अपमानित जीवन जीना पड़ सकता है, आपको पैसों की कमी के कारण दरिद्रता हो सकती है, आप कर्ज के बोझ में दब सकते हैं या आपको बहुत ज़्यादा परेशानियां हो सकती हैं इन मामलों को लेकर। नौकरी व्यापार में आपका मन नहीं लगेगा, बेवजह आप वहां पे झगड़ा कर लेंगे, बेवजह आप वहां पे लड़ाई कर सकते हैं, इसकी वजह से आपको विपरीत परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इस समय में आप मनोविकार में डूबे रह सकते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं, चिंताग्रस्त रह सकते हैं, लेकिन घबराएं नहीं, मैं बताऊंगा आपको उपाय, उससे आपको राहत अवश्य मिलेगी। इस समय में किसी भी प्रकार का निवेश ना करें, इस समय में किसी को पैसा ना उधार दें, ना किसी से पैसा उधार लें, कोई भी बड़ी योजनाएं कुछ समय के लिए टाल दें क्योंकि आगे आने वाला वक्त भी आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो इसलिए खराब वक्त में चिंतन करें और कैसे अच्छे दिनों का लाभ उठा सकें उसके लिए प्रयास करें, लेकिन धन खर्च ना करें, ना ही बहुत ज़्यादा उतावले हों और ना ही अपने सब्र के बांध को टूटने दें। ऐसा ना हो कहीं आपकी वाणी में दोष पैदा हो जाए और आप अपने नए दुश्मन बना बैठें। तो संभल कर चलने का समय है, इसलिए विशेष सावधानी रखें। गर्भवती महिलाएं विशेष सावधानी रखें, अन्यथा उनको परेशानी हो सकती है। और अपनी ज़रूरत की सभी, आवश्यकता की सभी चीज़ों का विशेष ख्याल रखें, अपने घर परिवार का, अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखें, नहीं तो आपको परेशानी हो सकती है। यदि आपके परिवार में कोई और कन्या राशि का है तो आप सभी परिवार के सदस्य उनका साथ दें, ना कि उनसे लड़े झगड़े, क्योंकि उनका समय खराब है। हो सकता है आप किसी और अन्य राशि के हो, आपका समय सही हो, तो आपको उनका साथ देना चाहिए। तो चलिए आपको उपाय भी बता देता हूँ
अब बात करते हैं उपाय की। तो 8, 9 और 10 तारीख को कौन सा उपाय करें जिससे आप बच सकें इन सभी संकटों से। आपको भगवान शिव की आराधना करना विशेष लाभ देगा और साथ ही साथ हनुमान जी की पूजा करना भी विशेष लाभ देगा। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हैं या किसी और प्रकार से शिव जी की आराधना करते हैं तो आप कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। अब बात करते हैं 11 और 12 तारीख की। यह समय भी आपके लिए शुभ नहीं है। आप और आपकी संतान दोनों को कष्ट हो सकता है। जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको विशेष सावधानी रखनी है। डॉक्टरों के द्वारा दी जाने वाली सभी सलाह को मानना है। आपको स्वयं के डॉक्टर नहीं बनना है और जैसे ही आपको कोई तकलीफ होती है तो घरेलू उपचार की बजाय आपको अच्छे डॉक्टर से मिलकर उसका समाधान करना चाहिए और रूटीन चेकअप जरूर कराएं। आपकी प्रवस पीड़ा बढ़ सकती है। यदि आप सोच रहे थे कि डिलीवरी नॉर्मल हो जाए तो इस समय में संभावनाएं बनती हैं कि यह डिलीवरी ऑपरेशन से संभव हो, लेकिन यदि आप सही समय पर अच्छे डॉक्टर से विचार विमर्श करते हैं तो इन चीज़ों को टाला जा सकता है और जो मैं उपाय बताऊंगा उस उपाय को करके भी आप बड़ी संभावनाओं को कम करके जीवन को सुखद बना सकते हैं। इस समय में आपकी संतान आपको लाभ नहीं देगी। आपकी संतान मेहनत करेगी, वह किसी कंपटीशन या परीक्षा को देने जा रहे हैं तो उनको वहाँ पे विशेष लाभ नहीं मिलेगा। वहाँ पे उनको परेशानी हो सकती है, उनका मन नहीं लगेगा पढ़ाई में या वह घर से ठीक प्रकार से तैयारी करके नहीं गए होंगे, इसलिए परीक्षा में असफलता मिलने के अधिक चांस दिखाई पड़ते हैं। अनावश्यक तनाव आपके जीवन में बढ़ सकते हैं। रात्रि की नींद आपकी गायब हो सकती है। जीवन में उल्टे सीधे विचार और ऐसे भयानक भयानक विचारों से आप ग्रस्त रह सकते हैं। आप ऐसी सोच में डूब सकते हैं जहाँ पे सिर्फ नेगेटिव बातें होंगी, नकारात्मकता होगी। आप ऐसी चीज़ों से बचने का प्रयास करें। इस समय में आप तंत्र मंत्र भूत प्रेत इत्यादि के मामलों में भी ज़्यादा रुचि दिखाएंगे, गुप्त विद्याओं में ज़्यादा रुचि दिखाएंगे। आपको इन सब से भी बचना चाहिए। आपका आत्मविश्वास कमज़ोर होगा, आपका मनोबल कम होगा। व्यापार हो या नौकरी हो, आपके लिए समय सही नहीं है। 8 तारीख से लेकिन अभी तक का समय आपके लिए अनुकूल नहीं है, इसलिए विशेष सावधानी रखें और किसी भी प्रकार से जल्दबाजी करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी ना मारें और मेरे द्वारा बताई गई जो भी बातें हैं इसको बिल्कुल सही तरीके से अपने जीवन में अपनाएं। हो सकता है इन सब बातों का प्रभाव आपके जीवन में थोड़ा कम और ज़्यादा पड़े, क्योंकि यह निर्भर करेगा आपकी कुंडली के ऊपर। आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कैसी है, बाकी ग्रहों की स्थिति कैसी है, तो उसके ऊपर भी मेरे द्वारा बताई गई बातों का कम ज़्यादा होना निर्भर करता है। यह जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ यह चंद्रमा की पोजिशन के आधार पर है, लेकिन इसमें कुछ कम ज़्यादा आपकी कुंडली के आधार पर हो सकता है। आपको कौन सी दशा चल रही है, कौन सी महादशा, कौन सी अंतरदशा चल रही है, इस पर भी निर्भर करेगा प्रभावों का कम या ज़्यादा होना। इस समय में बुरी आदतें आपको बहुत आसानी से लग सकती हैं। आप विलासिता या ऐसी चीज़ों में फंस सकते हैं, नशे के साधनों में फंस सकते हैं जहाँ पे आप सुकून ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन सुकून आपको तब भी नहीं मिलेगा और आप और ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। तो विलासिता और नशे से संबंधित चीज़ों से आपको बचना चाहिए। परेशानियाँ इतनी अधिक बढ़ जाएंगी बीच बीच में, कोई कोई ऐसा वक्त आएगा दिन में जिस समय में छोटे मोटे सुखों का अनुभव भी आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको सलाह देता हूँ यह समय शांति से बिताने का है, चिंतन करने का है और ईश्वर के नाम को जपने का है और शांत रहने का है, अपनी जुबान को कंट्रोल में रखने का है। तो शांत रहिए और करिए उपाय ताकि आपको इस बुरे समय में भी शुभ फल प्राप्त हो सके। तो चलिए अब बात करते हैं उपाय की। भगवान शिव का एक नाम है सोम सुंदर। सोम का अर्थ है चंद्रमा, यानी कि सोम सुंदर की आराधना और उपासना करना यानी शिव आराधना करना आपको सभी मुसीबतों से बचा सकता है। तो यदि आप शिव जी की उपासना करते हैं, किसी शिवालय में जाते हैं, वहाँ पे शिव जी का जलाभिषेक करते हैं, आप महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं और साथ ही साथ हनुमान चालीसा का भी पाठ करते हैं, तो निश्चित तौर पर इस अशुभ समय को आप शुभ समय में बदलने में सफल रह सकते हैं। तो चलिए
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 13 और 14 तारीख की। यह समय आपके लिए बहुत थोड़ी सी राहत लेके आ रहा है। आपको धन कमाने में कुछ अवसर अवश्य मिलेंगे, आपको धन लाभ के कुछ अवसर अवश्य मिलेंगे, लेकिन आपको आंखों के रोग सता सकते हैं, आपकी आंख में चोट लग सकती है, पेट के रोग सता सकते हैं, एसिडिटी हो सकती है, यानी कुल मिलाकर थोड़ी सी सेहत खराब रह सकती है। आप नौकरी में टिक कर काम नहीं कर पाएंगे, आपका मन इधर उधर भटकेगा, आप काम कम करेंगे, इधर उधर ध्यान ज्यादा लगाएंगे और अपना काम पूरा ना हो पाने की वजह से आपको आपके सीनियर की तरफ से डांट पड़ सकती है। ऐसा कुछ छात्रों के साथ भी होगा, वह पढ़ाई को ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगे, उनका मन भटकेगा, 10 मिनट पढ़ाई करेंगे, 1 घंटा घूमेंगे या इधर उधर के विचार मन में चलते रहेंगे। हो सकता है आप स्टडी टेबल पर बैठे हों लेकिन आपका मन इधर उधर भटकता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा और शिक्षा ग्रहण करने में आपको बहुत सारी बाधाओं का, मानसिक बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। आप किसी को बुरे अपशब्द नहीं बोले, हो सकता है सामने वाला आपसे झगड़ा करने के लिए ही आया हो और आप भी उससे उल्टा सीधा बोलकर, बुरे शब्द बोलकर झगड़े को बढ़ा दें, समय खराब है। तो ऐसा ना हो किया किसी और ने और भुगतना आपको पड़ जाए, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। लेकिन बड़ी कक्षा के जो छात्र हैं, जो MBA कर रहे हैं, BTech कर रहे हैं या मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं या और किसी उच्च शिक्षा में जाने के लिए प्रयासरत हैं, विदेश जाने के लिए प्रयासरत हैं, खास करके शिक्षा के क्षेत्र में, तो उनको कुछ अच्छी खबर अवश्य मिल सकती है, उनको लाभ की खबरें अवश्य मिल सकती हैं, लेकिन छोटी क्लासों के छात्रों का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। आप इस समय में क्रोधी हो सकते हैं, आप स्वयं तो परेशान रहेंगे ही रहेंगे, साथ में अपने साथ काम करने वाले लोगों को भी परेशानी में डाल सकते हैं, इसलिए लोग आपसे दूर रहने का प्रयास करेंगे और आप इस समय में लोगों के नजदीक जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप परेशान हैं, चिंतित हैं, आप एक जगह पे टिक नहीं पाएंगे, परेशान रहेंगे और परेशानी में आप उल्टी सीधे काम अवश्य करेंगे। तो इन सब कामों से बचने के लिए योग प्राणायाम का सहारा अवश्य लें, सुबह की सैर अवश्य करें ताकि आपका दिमाग शांत रहे। इस समय में आप कुछ ऐसी हरकतें भी कर सकते हैं जहां पे आपको आपके पिताजी की डांट पड़ सकती है या उनकी तरफ से आपको फटकार लग सकती है, और आप जरूरत से ज्यादा खर्चे भी कर सकते हैं। एक समय पे आपकी जेब बिल्कुल खाली हो सकती है, उस समय पर आपको एक एक पैसे के लिए सोचना पड़ सकता है, तो खर्चे संभल कर करें। व्यवसाय से लाभ नहीं होगा, लेकिन यदि आप नौकरी करते हैं और वहां पर टिक के काम करते हैं तो निश्चित तौर पे कुछ लाभ अवश्य कमा पाएंगे। आपको समझदारी से अपनी नौकरी करनी चाहिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा तो नहीं होगा लेकिन नुकसान भी नहीं होगा, लेकिन यदि आपका मन भटकता रहा, आप इधर उधर दूसरों के कामों में हस्तक्षेप करते रहे, तो आपको निश्चित तौर पे नुकसान होना तय है। आपको अपनी मौसी से, आपको अपने मामा से झगड़े हो सकते हैं, उनसे कोई विवाद हो सकता है, इसलिए आप ध्यान रखें। आपके शरीर पर छोटे बड़े फोड़े फुंसी या घाव भी हो सकते हैं, तो इस चीज का भी विशेष ध्यान रखें। वैवाहिक जीवन अस्त व्यस्त रहेगा और प्रेम संबंधों में भी भागदौड़ बनी रहेगी, कुछ समझ में नहीं आएगा क्या करें क्या ना करें, बीच वाली स्थिति रहेगी, पशोपेश में फंसे रहेंगे और इस वजह से कई बार झगड़े कर बैठेंगे, कई बार अपने झगड़ों को सही करने के लिए आप माफिया भी मांगेंगे या अपनी गलती का प्रायश्चित भी करेंगे, आपको आपकी गलती पता भी होगी, लेकिन कई बार जब तीर कमान से निकल जाता है उसके बाद उसको वापस लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इन दिनों में यानी इस पूरे सप्ताह में आपको अशांति बनी रहेगी, मानसिक चिंताएं बनी रहेगी, नुकसान की संभावनाएं लाभ से ज्यादा रहेंगी, इसलिए सावधानी रखें। सभी महिला पुरुष बच्चे, समय अच्छा नहीं है, आगे आने वाले अच्छे समय का इंतजार करें और बताए गए उपाय को अवश्य करें, और अंतिम तारीख जो मैंने बताई 13 और 14 तारीख को अच्छा बनाने के लिए आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का निरंतर जप करते रहना है, या मैं कहूँ इस पूरे सप्ताह में भगवान शिव और हनुमान जी की उपासना आपको विशेष लाभ देगी।
सोम सुंदर की उपासना करिए, बजरंग बली की उपासना करिए, कष्टों को दूर करिए और समय को बेहतर बनाइए। समझदारी पूर्वक, शांति पूर्वक यदि आप यह सप्ताह बिताते हैं तो आपको मैं यह कह सकता हूँ कि आपके जीवन में नुकसान की संभावनाएं बहुत कम हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग सुखी रहेंगे, अच्छी तरीके से यह सप्ताह बिताएंगे। हरि ओम, नमस्कार।